मलकम के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो छोटे बच्चे वाले एक मल्ल का और दूसरा के सामने एक पेड़ है, उसके ऊपर एक रोप है और रोप के ऊपर हम आसन गए। अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं और ये जो प्रोग्राम जो है यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट चलने वाला है। सामने आपको यहाँ पर जो 15-20 बच्चे दिखाई देते हैं और सब बच्चे ग्रामीण भाग के बच्चे हैं और सब बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। इनकी कम से कम 50 लोगों की टीम रहती है लेकिन सब बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर 15-20 बच्चों को हमें जितना भी दिखाना पॉसिबल होगा वो हमें दिखाने वाले हैं। और इस टीम को कोचिंग करने वाले उनके कोच उनके गुरु हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है कावड़े सर। कावड़े सर रोज कल्याण से यहाँ पर आते हैं और गांव के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छा काम कावड़े सर यहाँ पर कर रहे हैं। कावड़े सर यहाँ पर दो प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं, एक तो मल्ल काम और दूसरा मेरे राइट हैंड साइड में जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पर कबड्डी। इसे शाम को 6 से 8 बजे तक कबड्डी प्लस मल्ल काम ऐसे दो प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। और कावड़े सर ने बहुत सारे स्टूडेंट तैयार किए हुए हैं, उनके कुछ स्टूडेंट नेशनल लेवल में खेलते हैं, नेशनल लेवल में कोचिंग करते हैं। और पिछली बार जो प्रो कबड्डी हुआ था उस प्रो कबड्डी में जयपुर, न्यू मुंबा और पुणे इस टीम में सर के स्टूडेंट है और इन बच्चों को तैयार करना चालू है। तो शुरुआत करने से पहले जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करते हैं। हमारे सामने जो पहला लड़का आया है इसका नाम है हेमंत चौहान, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये लड़का दादर में श्री समर्थन नाम की वैन छला है, उस वैन छला में मल्ल काम में लड़का सेकेंड आ चुका है और लड़का नेशनल लेवल में खेल चुका है। समर्थन भावेश था, भावेश बुढ़ेरा स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है वो खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले हैं। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे टीम और सामने जो दिखा रहा है इसे कहते हैं मल्ल काम पगली पद्मासन। मल्ल काम ओपन पद्मासन Mallakam Shadal मल्ल काम बजरंग तोरफा लड़का आया है जिसका नाम है भावेश गायकर, 11 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये लड़का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मल्ल काम में सेकेंड आ चुका है और मल्ल काम स्टेट टैलेंट। ये लड़का सब फ्रेंड के कमरे के ऊपर एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है, उसने जो पूरा बॉडी का वेट था वो बॉडी का वेट यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया था। इसे कहते हैं मल्ल काम भद्रासन। फिर से एक बार उस लड़के ने अपनी गर्दन में अपना पैर डाल दिया है और फिर से जो बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसे कहते हैं मल्ल काम चक्रासन। नटरासन वो लड़का हमें जो स्प्रिंट में करके दिखा रहा है इसे कहते हैं गोपन पद्धत। हमारे सामने जो तीसरा लड़का आया है जिसका नाम है रोहन कोचेकर, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता है।
का 10 फीट के खंभे के ऊपर खड़ा रह चुका है और अपने सलामी दे रहा है। मल्लखाम बैठे साहब यहाँ पर उनके जो खुद के प्रकार है वो यहाँ पर भी कतर हो चुके हैं। अभी इनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो हमें दिखाने वाले हैं। उनका मल्लकम का पहला डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर चकुरासन, बाजू में साइड करके एक दक्षिण और सबसे आगे चकुरासन, सबसे आगे दो पद्मासन चकुरासन, बाजू में साइड करके और सबसे ऊपर में था चकुरासन। दादर में श्री समर्थ नाम की व्यायामशाला है और व्यायामशाला में मल्लकम का ट्रेनिंग दिया जाता है। मल्लकम के तीन प्रकार रहते हैं, एक जो हमारे सामने मल्लकम हो रहा है वो है स्टैंड मल्लकम, दूसरा है हैंगिंग मल्लकम और तीसरा है फिक्स मल्लकम। ऐसे मल्लकम के तीन प्रकार रहते हैं। सबसे ऊपर में था बाहुबली सेवासन। उनका मल्लकम का तीसरा डेमो हमारे सामने सबसे ऊपर और नीचे दो ओपन फरारा, नीचे दो ओपन फरारा और सबसे ऊपर में था हैंड स्टैंड। उनके मल्लकम के जितने सारे डेमो थे वो डेमो यहाँ पर निकाल कर हो चुके हैं। अभी हमारे सामने एक रोप है, उस रोप के ऊपर हम रामदेव बाबा जैसे आसन के अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। और अभी हमारे सामने हमारे भविष्य के रामदेव बाबा आ चुके हैं, लेकिन वो रामदेव बाबा को दाढ़ी है, इसको सिर्फ दाढ़ी नहीं है। ये लड़का इस रोप को न छोड़ते हुए हमें आसन के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है पद्मासन का ही हस्तपदासन रोप हस्तपदासन रोप निद्रासन रोप निद्रासन। वो लड़का उस रोप को छोड़ नहीं रहा है और हमें अलग अलग प्रकार दिखा रहा है। उस लड़के ने पैरों के उंगलियों में उस रूप की नॉर्मरी ग्रिप पकड़ी है और पूरा जो अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसे कहते हैं रॉप चकुरासन। फिर से हमारे सामने आया है भावेश टाइगर। ये लड़का जितना सारा रॉप है और रॉप अपने पैरों में फंसाने वाला है और इस रूप से और खुद की छुटकारा कैसे पाने वाला है अभी हम सामने देखने ही वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, एक बार जो से हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट उसने ग्लाइड किया, फिर से हमें अल्ट्रासाउंड दिखाया रॉम के लिए बंद हो रही है।
अभी हम एक ही रुख के ऊपर एक साथ आपस के पांच लगा देने वाले हैं। ओ हम एक ही रूप के ऊपर एक साथ अपन के पांच लगा दे रहे हैं। सबसे टॉप में सिंपल क्रॉस, सेकंड वीर बद्रासन, पद्मासन के ऊपर निद्रासन और फिर से पद्मासन। यहाँ पर एक ही जगह पर तीन चीजें ज्वाइन थी, इनमें से था पद्मासन के ऊपर निद्रासन और फिर से पद्मासन। बच्चे से सोने के लिए जय जय मातरम मातरम जय जय शिवानी जय शिवाजी। अरे तो यहाँ पर पल्लव का टीका हो चुका है।